जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू भगवानों की बहुत लंबे समय से पटाखों में फोटो लगाई जाती हैं और बार बार हर वर्ष हिंदू यही आग्रह करते हैं कि हमारे देवी देवताओं की फोटो को बम में ना लगाएं। अनेकों बार रिक्वेस्ट की गई, इस बार सोशल मीडिया पर लोगों ने यहाँ तक आग्रह किया कि आप अगर भगवानों की तस्वीरों को लगाएंगे तो हम आपके ऊपर कोर्ट केस कर देंगे। उसके बावजूद भी कुछ लोग भगवानों की फोटोओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को ये ठेस पहुंचाता है। आज मध्य प्रदेश में एक पटाखों की दुकान पर जब कुछ युवाओं ने रेड करी तो वहां पर भारी मात्रा में बम पटाखे बरामद हुए। दुकानदार का कहना है कि यह उसके पास दुकान में भेजे गए थे। बहुत दुख की बात है, बारंबार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आज भी कुछ पटाखा कंपनियां हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रही हैं, हिंदुओं के सम्मान को ठेस पहुंचा रही हैं। भैया आज पहली बार हुआ जी भाई, ये तो जमाने में हो रहा है। अरे हम थोड़ी बनाते हैं, क्यों खरीदते हो इसको? आप क्यों खरीदते हो इसको? आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये दूसरा मेटल लगा के चलाओ। ये भैया और ये दिखता हुआ दिखते हुआ तुम्हें परेशानी आएगी। मैं अच्छी दे देता हूँ, ये इधर का कोई बेचे नहीं, ये बेचेंगे तो मैं इनको परेशान कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा। ज्यादा बोले ले नहीं भैया, जाए हाँ ज्यादा बोलना नहीं। हाँ परेशानी कर दूंगा, परेशानी कर दूंगा, आग लगा दूंगा इसके अंदर। लगा 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 आग लगा, थोड़ा तरीके से बोलो, समझाना है नहीं आपको, उठा के घर थोड़ी ले जा रहा कोई, समझाना बोल दिया आग लगा नहीं, ठीक है गलत नहीं कर रहा, ठीक है आप चुप हो जाओ, हम बात कर रहे हैं नहीं है ना इनके बोल ये लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, दो मिनट लगेंगे है ना, घर बैठ जाओगे फिर मत कहना हिंदुओं ने घर बिठा दिया। काका गलत, हम खतरे में आ गए, ये तो हो जाएगा भैया, मैंने जमा दे दी थी उसके बाद। सुन लो, अगली बार आएंगे एक भी दिख गया तो माचिस से पूरा जला देंगे। बोल दिया, अरे जला के जुड़ने वाली बात ही नहीं है ना उसमें, नहीं होना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भाईचारा जो बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं वह इस गंदी राजनीति में कभी भी कामयाब ना हो सके। हम सभी भारतवासियों से आग्रह करते हैं आपस में मिलकर रहें, प्रत्येक धर्म का जब सम्मान हम सब करेंगे तो भारत सुख शांति से आगे बढ़ेगा और विश्वगुरु था और विश्वगुरु रहेगा।